कोरोना वायरस से दुनिया भर में डर बढ़ रहा है। इस खतरनाक वायरस ने लगभग 75 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस वायरस के कारण अब तक 3100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे जैसे इस वायरस के केस दुनिया के अलग अलग देशों और शहरों के सामने आ रहे हैं, लोगों के बीच इसके लेकर डर और ज़्यादा बढ़ने लगा है। यही वजह है कि लोग पब्लिक प्लेस पर जाने से डरने लगे हैं, और अगर जा भी रहे हैं तो मास्क पहनना बेहतर समझ रहे हैं। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से देश में मास्क खरीदने के लिए भी ज़बरदस्त मारामारी है, पर सवाल यह है कि हमें मास्क की ज़रूरत है भी या नहीं। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस बारे में जब डॉक्टर से बात की गई कि आखिर मास्क का यूज़ कोरोना वायरस से बचने में कितना असरदार है, तो डॉक्टर्स इसे लेकर बहुत श्योर नहीं थे। उनका कहना है कि अगर बड़े स्तर पर कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ मास्क पर निर्भरता बढ़ा दी जाए तो यह सही नहीं होगा। हर व्यक्ति के लिए मास्क कोरोना वायरस से सेफ्टी की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है, और साथ ही डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि सर्जिकल मास्क का यूज़ सही जगह और सही वक्त पर किया जाना चाहिए, जैसा हॉस्पिटल में किया जाता है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स और नर्स पेशेंट के साथ उनके फैमिली मेम्बर्स और अलग अलग बीमारियों से ग्रसित पेशेंट से घिरे रहते हैं। इस स्थिति में सर्जिकल मास्क उन्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सर्जिकल मास्क पहनकर स्ट्रीट या पब्लिक प्लेस में घूमना और प्रोटेक्शन की उम्मीद करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यह मास्क दो साइड से लगभग खुला होता है, जिस वजह से कोरोना वायरस से बचाने में मास्क पूरी तरह कारगर नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो बेशक आपको मास्क पहनना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए, ताकि आपकी वजह से आपके आसपास मौजूद लोगों में ये ना फैले। वहीं दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप N95 रेस्पिरेटर मास्क पहनते हैं तो कुछ हद तक आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यह सर्जिकल मास्क की तुलना में अधिक थिक फैब्रिक से बना होता है और फेस को अच्छी तरह कवर भी करता है, साथ ही सामान्य वायरस से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये कोरोना वायरस से बचाने में कितना उपयोगी है, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप बीमार हैं या आपके घर में किसी को फ्लू जैसी बीमारी है, तो आपको मास्क का इस्तेमाल करते समय कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे मास्क पहनने के दौरान किसी और चीज़ को टच ना करें, और अगर आप मास्क कैरी कर रहे हैं तो अपने हाथों से दूसरी चीज़ें छू लेते हैं और फिर मुंह को टच कर लेते हैं तो आपका मास्क पहनना बेकार है, क्योंकि आपके वायरस बाहरी एयर के संपर्क में आ जाते हैं और बाहरी वायरस आपके मास्क को इन्फेक्शन का घर बना सकते हैं। कई डॉक्टर्स का मानना है कि मास्क पहनने से ज़्यादा अच्छा तरीका है हैंड वॉश को लेकर हमेशा सतर्क रहना। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लें। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ को अपने चेहरे पर ना लगाएं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस इससे पीड़ित व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान ही आसपास में बैठे लोगों को इन्फेक्टेड बनाता है, साथ ही यह किसी पीड़ित व्यक्ति से लगातार संपर्क में रहने से भी फैलता है। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पार कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कोई कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति आ रहा है तो आपको कोरोना हो जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।